Action! Durga! ये क्या किया आपने? दुर्गा को आप कैसे? आप अपने गुस्से में ये भी भूल गए कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या है? क्या हुआ है संपूर्ण? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? साफ साफ दिख रहा है देवी के चेहरे पर कि क्या हुआ है। आज तुम दुर्गा को बचाने की कोशिश नहीं करोगी, और मैंने जो किया है उसके साथ वो उस सजा के लायक है। मेरी दुर्गा ऐसा कभी कर ही नहीं। फर्स्टली सर, वेलकम टू IWM बस। आज का सीन काफ़ी ही नो धमाकेदार है, हम कह सकते हैं। जिस तरह से हमने आपकी एक्टिंग देखी है, काफ़ी ही कमाल की थी। नो इट वाज टू रियल। क्या बोलना चाहेंगे आज के सीन के बारे में? अच्छा है, मुझे भी परफॉर्म करने में मज़ा आया। और नॉर्मल सा एक सीन है जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है हमारे सामने कि एक चुमकी नाम की बच्ची है जो हमें एज सच प्रूफ मिले हैं कि यही हमारी खोई हुई बिटिया है जो कि देवी है, पर वो हमारी दुर्गा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और संपूर्णा भी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं समझ पा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट समवेयर और दी अदर मेरा वो बिलीफ बन गया है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। और जब मेरे को सब कुछ दिखा तो मेरे को वो फेथ आने लगा कि यही हमारी बिटिया है। और अगर ना भी हो तो एक बच्ची के साथ अगर दूसरी बिटिया झगड़ा कर रही है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बीइंग अ फादर मैं कोशिश करूँगा कि सबको समझाऊँ। लेकिन हाँ, एज सच कि अब थोड़ा ड्रामा है तो थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाता हूँ। बाकी हाँ, वो ऑडियंस उसको कैसे लेती है भगवान जाने। बाकी मैं तो एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सब तो देखो क्या होता है ना, सीन करने के बाद अपन भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परफॉर्म करा, ये तो आपको पता है कि कुछ हाथ उठा है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी वो एपिसोड में आएगा तो मैं भी देखूंगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर दिया इस किरदार ने। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बता दूं, कई बार ऑडियंस को ये बड़ा ही मतलब लगता है कि ये जो किरदार हम प्ले करते हैं ये हम ही हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम तो बस वर्ड्स और स्टोरी और कैरेक्टर ड्रिवन परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब हम तो एक बार ये चश्मा उतरता है और हम अपनी टी शर्ट और जीन्स में आते हैं तो हम चंदन आनंद हो जाते हैं। बाकी अभी बिनॉय के रूप में होते हैं तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं, गलत या सही या अच्छा या बुरा, वो एक किरदार के कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन करता है, वो आर्टिस्ट को नहीं डिफाइन करता। तो हाँ, वो चीज़ें कहानी में दिखेंगी कि बिनॉय किस तरह शेड होता है एक दूसरी कैरेक्टराइजेशन की तरफ। जी हाँ, नहीं अभी तक तो अभी तक हाँ हाँ अभी तो बड़ा ही पॉजिटिव था, पर अगर ऐसे सीन्स और आए तो सच में मेरे को डांट पड़ेगी बच्चों से। आप कैसे लेते हो चंदन, आप कैसे लेते हो? देखो, मेरे लिए तो परफॉर्मेंसेस हैं। एक कैरेक्टर को जब हम भी रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा किरदार बनना है या नहीं बनना है, लाइफ में क्या होते हैं। बट हाँ, विलन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव प्ले करने का अपना मज़ा है। सो बीइंग एन एक्टर, हर तरीके का किरदार निभाने में मुझे मज़ा आता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।